नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद वह फरार था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए उस पर इनाम भी घोषित था। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी सख्त हो गए थे। हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में बीते दिनों एक हादसा हुआ था, जहां पर एक शख्स का अंतिम संस्कार करने के दौरान लैंटर गिर गया था और लैंटर गिरने के बाद 25 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। फिलहाल अब उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात सीएम योगी की तरफ से कह दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाते हुए नया फरमान सुना दिया है। सीएम योगी ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ एनएसए लगाने का आदेश भी दे दिया है। साथ ही पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से ही वसूल करने के निर्देश भी यहां पर दे दिए हैं, जिसके बाद अब अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। और वहीं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया गया है। इस वक्त की बहुत अहम खबर है, अजय त्यागी के ऊपर सख्त हो गए हैं सीएम योगी, जिसके बाद अजय त्यागी से पहले पुलिस ने मुरादनगर नगर पालिका की ईओ नेहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके खिलाफ धारा 304, 337, 338, 427, 409 के तहत मुरादनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच में शमशान घाट की छत बनाने वाले ठेकेदार, नगरपालिका के इंजीनियर और अफसरों पर लापरवाही पाई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हादसे के मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के मुख्य आरोपियों से ही होगी नुकसान की भरपाई। इंजीनियर ठेकेदार पर लगेगी एनएसए। सीएम योगी के आदेश के बाद मुआवजे की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले ये मुआवजे की राशि 2 लाख रुपए बताई जा रही थी, लेकिन अब मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस वक्त की अहम और ताजा खबर आप तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है, जहां पर मुरादनगर हादसे में बड़ा एक्शन सीएम योगी की तरफ से लिया गया है और ऐसे में अजय त्यागी की गिरफ्तारी भी यहां पर कर ली गई है। और इस पूरे मामले पर लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया।